रांची के करमटोली की एक जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। इस मामले पर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। घटना के बाद जहां एक पक्ष ने उस जमीन पर दोबारा काम शुरू कर दिया है, वहीं दूसरे पक्ष के समर्थन में कई आदिवासी सामाजिक संगठन एक मंच पर आ गए हैं। एक पक्ष इस जमीन को खतियानी जमीन बता रहा है और दूसरा पक्ष पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा रहा है। पूरा रिपोर्ट देखें। 2 एकड़ 22 डिसमिल बेशकीमती भुईहरी पैनहरी जमीन हाथपा मौजा के करमटोली में है, जो छोटका महादेव मुंडा के नाम पर खतियान में दर्ज है। चंदन पाहन और उनके परिवार छोटका महादेव पाहन का उत्तराधिकारी बताते हुए उस जमीन को अपना बता रहे हैं। वहीं दूसरा पक्ष है कैलाश हेम्ब्रम और उनके परिवार का, जो इस जमीन पर दावा कर रहा है। कैलाश हेम्ब्रम का आरोप है कि उनकी बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा चंदन पाहन को खड़ा कर भू माफिया कर रहे हैं। ताबड़तोड़ सवेरे से ही मेटल गिरा के काम चल रही है और थाना वाला कोई कार्रवाई नहीं किया। बोला उल्टा की जाओ तो स्टे ऑर्डर लेकर आओ या जहां हम उनको लाइव वीडियो दिखाओ तभी हम काम रोकने जाएंगे। जब लाइव वीडियो दिखाया गया तो बोलता कि हम लोग का काम नहीं है जमीन का स्टे लगाना और ना ही स्टॉइज लगाना। तो हम कहते हैं कि हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जाती है। हमारे पक्ष के लोग कल जो चोटिल हुए थे वो लोग गए थाने में तो कहता है कि बिना मास्क नहीं कोरोना काल में तो अंदर कहां जा रहे हो, जबकि दूसरे पार्टी को एकदम सरलता से अंदर जाकर बैठा के चाय पानी पिलाया। जिस बेशकीमती जमीन को लेकर दो आदिवासी पक्षों में हिंसक झड़प हुई वो करमटोली में स्थित रामप्यारी अस्पताल के सामने है, जिसे बचाने के लिए कई आदिवासी सामाजिक संगठन सामने आ गए। इन सामाजिक संगठनों के मुताबिक दो आदिवासी पक्षों के बीच में भी कई चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे से रहकर जमीन पर अवैध कब्जा करने का काम कर रहा है। जमीन दलालों से ब्रोकर से थाना प्रभारी मिली हुई है और थाना प्रभारी के लालपुर थाना के प्रभारी से मिली होने के कारण आज भी लोग उस जगह से कल जिस तरह से ध्वस्त किया गया लेकिन आज भी वो लोग थेथर की तरह लगे हुए हैं। क्यों इतना हिम्मत दलालों पे कहां से आ रही है? ये साफ तौर से आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये थाना प्रभारी लालपुर थाना के मिली भगत से आज जमीन दलालों का हौसला बुलंद कि इसमें कोई यादव परिवार इस पर जमीन मेरा है कहकर ये है। हमारा आदिवासियों से लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई है कि भूमिहरी जमीन गैर आदिवासी कैसे लिया। गैर आदिवासी परिवार इस जमीन को हड़पना चाहता है और जैसा कि अभी आजाद आपको बताया कि ये जमीन जो है ये सामाजिक जमीन है तो कोर्ट में जहाँ तक बात होता है कोर्ट से डिसीजन लें। कोर्ट में क्या ये डिसीजन हो सकता है कि ये जमीन फलना का ही है? सामाजिक संगठनों के मुताबिक 2 एकड़ 22 डिसमिल बेशकीमती जमीन आदिवासियों की सामाजिक जमीन है, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं होता है और ना ही उस जमीन की खरीद बिक्री हो सकती है। बावजूद इसके उस जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।